यहाँ पे ना भगवान की बंसी की आवाज आती है, तो कान लगा के सुनिएगा आती है कि नहीं आपको, फिर मुझे वापस आके बताइएगा आई कि नहीं आई। इन लोगों में से किसी को बंसी की धुन सुनाई नहीं थी, लेकिन हमारी बिटिया रानी को सुनाई थी, और ऊपर से गाना और बता रही है कौन सी धुन बज रही थी। अभी तुम यार नीली वाली माला को कहा नाम ले रहे? बैजंती। ये बैजंती माला है? हाँ। आज तक सुना ही था भाई, ये देखो इसको बोल रहे भैया ये बैजंती माला। कैसा रहा? बढ़िया। संतुष्ट है? हाँ। बढ़ाइए भैया, तीन दिन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत सारे मंदिर घूमे, कोई झोलूल तो नहीं लगा? हाँ जी, तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और भाई दो दिन से जिन सब्सक्राइबर्स को घुमा रहे हैं ना, उन्हीं को आज हमें वृंदावन का और वृंदावन से पीछे जो भांडीरवन बंसी बट है पूरा का पूरा घुमाना है। मैं और पंडित जी दो दिन से जो घुमा रहे हैं, दोनों के दोनों भाई आज भी बुकिंग पे है। तो पिछले तीन दिन बहुत अच्छे गए मेरे, मैंने कहा था आप लोगों से भाई जैसे ही दो तीन दिन काम अच्छा हो जाएगा तो चेहरे का रंग और मुस्कान अपने आप बदल जाएगी, तो वो बदल चुकी है। तीन दिन लगातार काम मिल जाता है तो यार एक संतुष्टि सी मिलती है कि हाँ भाई कुछ तो रिकवरी हो रही है। वैसे भी त्योहार का टाइम है, पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। और भाई कल उनको हम वृंदावन ड्रॉप कराए थे, तो आज भी हमें वृंदावन ही जाना और वृंदावन से ही उनको उठा के घुमाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि भाई हमें प्रेमानंद जी के दर्शन करने हैं, तो ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ से प्रेमानंद जी के दर्शन कर सके। तो रात को हम प्रेम मंदिर के सामने जो रुक्मिणी विहार है वहीं पे एक होटल में रोक के आए थे उनको, तो वहीं से उठाएंगे और पूरा वृंदावन भांडीरवन वंशीवट घुमाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, एक नया दिन नया व्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना यार। जिन लोगों ने वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशल रिक्वेस्ट है प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है, प्लीज दबा दीजिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से, उन्हें उठाते और पूरा भांडीरवन वंशीवट घुमाते, आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो भाई प्रेमानंद जी के दर्शन हो गए थे बड़ी तरीके से? चलो इसी के लिए रुके थे भाई यहाँ पे आके, इनका काम हो गया। नहीं बहुत अच्छा स्वागत, बिल्कुल सबसे पहले हम लोग खड़े। अच्छा चलो, वंस गए थे रात को दर्शन करने प्रेमानंद जी के? हाँ। किए तुमने? कैसे लगे? पास से देखे दूर से? पास से देखे थे भाई। वंस भी हमारा दर्शन करके आया प्रेमानंद जी महाराज के। हाँ सॉरी, ये यश है, ये वंस है। आपने किया था दर्शन? किया था आपने? रात को जग गए थे आप? क्या बात है भाई, राधे राधे। चलिए राधे राधे। चलो भाई लास्ट दिन है आज की तैयारी शुरू। लो भाई पहला मंदिर के लिए हमने सवारी विदा कर दी अपनी, पहला नहीं दूसरा, दो हैं बाकी बिहारी और राधा वल्लभ। सवारी गई घूमने, मैं और पंडित जी दोनों के दोनों यहाँ आराम से पार्किंग में आके खड़े हो गए, और भाई हमारी सवारी है, एक ने भसड़ फैला दी है आज। वो लोग जिस होटल में रात को छोड़े थे वहाँ से उन्होंने कर दिया चेकआउट, सामान पंडित जी की गाड़ी के ऊपर लदा हुआ। वो बोल रहे हैं कि भैया हमको कहीं मंदिर के आसपास किसी मार्केट के आसपास रूम दिला दीजिए ताकि हम शॉपिंग वॉपिंग करें, तो वो कर सके। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी भाई, तो सामान ले आए हैं, दर्शन करते रहेंगे, जहाँ भी उनको रूम पसंद आ जाएगा वहीं उनका सामान उतार देंगे, जब तक गाड़ी अपनी चलती रहेगी घुमाते रहेंगे। वैसे शुरुआत हो गई है तो दिन भर एंजॉय कीजिए वीडियो को, बस पूरा वीडियो देख लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज यार। आप लोगों ने इधर निकल के अपने आप ही हमारा काम को खराब कर दिया। दो मंदिर मिस हो गए आपके, रंगनाथ जी भी और गोविंद देव भी। भगवान की मर्जी है, चलिए भांडीरवन वंशीवट चलते हैं। यहाँ पे ना भगवान की बंसी की आवाज आती है, तो कान लगा के सुनिएगा आती है कि नहीं आपको, फिर मुझे वापस आके बताइएगा आई कि नहीं आई, ठीक है ना? आएगी, देखते हैं।
छोटे को भी सुनाना। अद्दू सो गई क्या? बच्चे सो गए भाई यार, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है यहाँ का सफर, उसी में बच्चे लुढ़क जाते हैं। 3 दिन से घूम रहे हैं, थके हुए हैं बेचारे, क्या करें। रात को भी जगाया होगा आपने, आदमी बड़ा हो तो झेल जाए। प्रेमानंद जी के दर्शन किए हैं बच्चों ने और सुबह सुबह फिर लेके निकल आए, इनको आराम तो मिला ही नहीं। हाँ तो जी भाई साहब, अभी हम लोग बंसीबट पे आए हुए हैं और मैंने अपनी सवारियों को बोला है कि कान लगा के सुनने की कोशिश जरूर करना कि आपको आवाज आती है कि नहीं बंसी की। बंसीबट पे कहानी है ना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बंसी बजाते थे और किसी पेड़ों पे कान लगाओ तो बंसी की आवाज आती है। तो हमने बोला है और उनसे बोला कि भाई सुनाई दे तो हमको वापस आके बताना जरूर। देखते हैं कौन बताता है कि किसको आवाज आई है और किसको नहीं आई है। पिछली बार मैं एक आंटी अंकल को घुमा रहा था, वो बोल रहे थे कि भैया हमको आवाज तो स्पष्ट तौर पे नहीं आई, पर हाँ ऐसा लगा कि कुछ तो है जो कि महसूस होता है उस पे कान लगाने पे। बाकी अब इनसे पूछते हैं, इनको किसी की आवाज आई कि नहीं आई। तो क्या रिजल्ट निकला, आपको आवाज आई कि नहीं आई? यहाँ पे ना कई तरह की आवाज आती है, किसी को बंसी की सुनाई देती है, किसी को तबले की सुनाई देती है। मुझे लग रहा था जैसे हार्ट बीट जैसे धक धक करते हैं ना, वैसा मतलब कुछ तो आया था। हाँ मेरे को आ रहा था, मैं जैसे बात की तो भी बोल रहा था मेरे को भी ऐसी आ रहा है, बांसुरी को नहीं आ रहा था। यहाँ पे 4-5 जगह है, चारों पांचों पे अलग अलग तरह की आवाज आती है। आपको आई थी? सेम था। लो भैया इनका बंसी बट भी हो गया, पूछते हैं इनको आवाज आई कि नहीं। आ रही है? बाहर ही कोई बंसी बजा रहा हूँ तो लगता, अच्छा एक बार में तो लगा था कि देख रहे बाहर ही बज रही है। इतनी तेज ली आती है कि पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई दे। फोन की ट्रेनिंग भी बजी थी ना, बोलती है मुझे सुनाई दे तुम्हें बाहर। भाई एक बात तो मैं सीख गया हूँ इतने दिनों में गाड़ी चलाते चलाते कि दर्शन करने के टाइम पे जो लेडीज साथ में होती है उनको दर्शन हो ना हो शॉपिंग उनकी जरूर होती है। और जो मेरी सवारियां हैं पिछले 3 दिनों से लगातार शॉपिंग कर रही है और इनकी भाई शॉपिंग खत्म होने में ली आ रही है। अभी फिर से लग गए हैं लोग दुकान पे, ये देखो अब ये सामने वाली दुकान पर खड़े होकर कुछ खरीद रहे हैं। अभी तुम यहाँ नीली वाली माला को कहाँ नाम ले रहे? बैजंती। ये बैजंती माला है? हाँ। आज तक सुना ही था भाई, ये देखो इसको बोल रहे भैया ये बैजंती माला। भाई आप बैजंती माला से? जी 50 के दो है। अभी तक खाली नाम ही सुना था, आज देख रहे हैं। और मैं नहीं जाती, सुता नहीं जाती। फूल की है क्या? फूल है नाम का बैजंती। बैजंती कहाँ लगता है ये फूल भैया? जमुना किनारे पे लगते हैं। अच्छा यहाँ लगते हैं। ये भाई नीले कलर की जो है यही वैजंती माला है। मंदिर बंद हो गया भैया दर्शन? बट गए थे ना इन लोगों में से किसी को बंसी की धुन सुनाई नहीं थी, लेकिन हमारी बिटिया रानी को सुनाई थी और ऊपर से गाना और बता रही है कौन सी धुन बज रही थी। रात को जब हम लोग वापस आ रहे थे बरसाना थे तो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे और मेरा कालिया नाग दिखाने का जो टाइमिंग रहती है हमेशा बरसाना वाली साइड से होती है। वापसी में जाओगे निकलते तो मैं दिखाता हुआ निकल जाता हूँ, लेकिन भाई कल इतना ज्यादा लेट हो गए थे कि दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लगभग 9:15 के करीब हम लोग वृंदावन पहुंचे थे, उस समय यहाँ कुछ देखने को मिलता नहीं तो मैं सीधा वृंदावन ले गया था। आज मेरे दिमाग में था और ये लोग भी बार बार आपस में खुसफुसा रहे थे कि सांप वाली जगह नहीं देखी, सांप वाली जगह नहीं देखी। मैं चाह रहा था कि जैसे टाइम निकलेगा
तो इनको लेके सांप वाली जगह भी दिखाने आऊंगा। तो राधा रानी का मंदिर जैसे ही कर रहे थे हम, राधा रानी जो मानसरोवर दिखाई थी उससे लेकर सीधा मतलब उत्तर से पश्चिम आ गए सीधे के सीधे, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि ये बंदा वीडियो में वैसे ही दिखा देता है और जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको नहीं दिखाता। तो भाई इनको संतुष्टि हो गई है, कालियाना के दर्शन हो चुके हैं, अब वापस वृंदावन जाएंगे, वैष्णो देवी टेम्पल करेंगे, उसके बाद में जाएंगे चंद्रोदय मंदिर, और सब होने के बाद में लास्ट में प्रेम मंदिर जाके इनको छोड़ देंगे। एक सवारी जो कि वृंदावन में स्टे करेंगे, दूसरी को लेके जाना है मथुरा मुझे, तो मथुरा करेंगे भाई। वैसे हो गया है, आना शुरू कर दिया है ये लोग, पीछे से आ रहे हैं, निकलते हैं वृंदावन के लिए वैष्णो देवी टेम्पल। हाँ तो भाई साहब एक और शाम हो चुकी है, सूर्य देवता पूरी तरह से बादलों के पीछे, अंधेरा हो चुका है, लाइटें जली हुई है, और भाई कालियानाग के दर्शन कराने के बाद गए थे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से गए हम प्रियाकांजू, प्रियाकांजू से आए जो चंद्रोदय, नया नया मंदिर बना है, और भाई चंद्रोदय से निकल के जो सवारियां थी मेरी गाड़ी में, बोले भैया अब तक जितने भी मंदिर दिखाए सबसे अच्छा मंदिर यही है, मतलब चंद्रोदय मंदिर वाकई में गजब का है। इससे पहले एक आंटी अंकल को मैंने घुमाया था, वो भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा मंदिर है भैया, यहाँ पे जो भी लाया करो इनको दिखाया जरूर करो। तो भाई चंद्रोदय मंदिर पहली फुर्सत में पास हो गया है, आप में से कोई भी आए तो चंद्रोदय मंदिर जरूर विजिट करके जाना। वैसे अभी मैंने सवारियां छोड़ दी हैं लास्ट के दो मंदिर करने के लिए, प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेंपल। रास्ता बता दिया क्योंकि ना तो इस्कॉन तक हमारी गाड़ी जाती है और ना ही प्रेम मंदिर तक, तो वो पैदल पैदल घूम के आएंगे, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं। वैसे मैं इंतजार तो दूसरी सवारियों का कर रहा हूँ जो कि आने वाली है, मतलब जो विशाल की गाड़ी में है, क्योंकि उनसे मुलाकात अब हो नहीं पाएगी, वो वृंदावन में स्टे करने वाले हैं, मेरी जो सवारी है वो मथुरा जंक्शन छोड़नी है, तो एक रिएक्शन लेने के मूड में था, लाइट चली गई है, अब वो भी नहीं हो पाएगा। ऑटो करोगे तो मैं बोल रहा हूं पैदल चलने का स्थिति नहीं है, इतना दूर की पैर दुख गए चलते चलते। तो भैया मैं तो निकल जाऊंगा, आपसे मुलाकात हो नहीं पाएगी क्योंकि आपको वृंदावन रुकना है और ये लोग जाएंगे स्टेशन के लिए। कैसा रहा? बढ़िया रहा, संतुष्ट है? थोड़ा सा क्षमा है कि उन लोगों ने कल मुझे रात को कॉल किया था 11:30 बजे कि भैया यार हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि हमें जाना है स्टेशन, तो इस वजह से मुझे उनको लेके घूमना पड़ा, वरना आप ही के साथ रहने वाला था मैं आज भी, तो उसके लिए सॉरी। वैसे घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आई है, बस इतना ही जानने के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि आपसे फिर मुलाकात हो नहीं पाएंगे, आप आएंगे तब तक मैं निकल जाऊंगा, मुलाकात हो जाएगी ना। ठीक है छोटू, परसों स्टेशन जाएंगे, परसों स्टेशन जाएंगे, क्या पता मिले नहीं मिले, क्या पता। ठीक है जी, राधे राधे। कोई गलती हो तो माफ कर देना प्लीज, दिल में मत ले जाना कुछ भी। फाइनली एक सब्सक्राइबर से तो आप पहले ही मिल चुके हैं, जिनसे हम पहले अलविदा कह दिए वृंदावन में, और दूसरे थे ये, इनका भी पूरा हो गया। बताइए भैया 3 दिन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत सारे मंदिर घूमे, कोई झोल फूल तो नहीं लगा? हाँ जी, जो मंदिर का नाम भी नहीं पता था हम लोग, वो भी घूमे, चंद्रोदय जो है, मानसरोवर। आनंद रहा? कोई दिक्कत मेरी तरफ से? कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया अब ये आगरा जाएंगे, ताजमहल घूमेंगे, फिर अपने घर निकलेंगे। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ तो जी दोस्तों, भाई अपनी सवारियों को घुमा घूम के स्टेशन पे छोड़ के आ चुके हैं घर, और भाई बैकग्राउंड में मेरे घर का आपको थोड़ा सा कलर अलग लग रहा होगा। मैंने बताया था ना हमारी अंजलि और मंद दोनों के दोनों आज पुताई करने में लगे हुए, तो उन्होंने भाई घर का जो कलर था उसको चेंज कर दिया, हालांकि पूरा नहीं हुआ है अभी, इधर वाला साइड वही है जो पहले थी, इन्होंने दो दीवारों को पोत दिया है। और भाई इसके अलावा आज हमारे एक सब्सक्राइबर है विकास भैया, विकास भैया ने मेरे लिए दो चीजें भेजी हैं, एक तो भाई ये स्टैंड और एक सेल्फी स्टिक है जिसमें मैंने अभी मोबाइल लगा रखा है, उसी की लाइट से मैं आपको देख पा रहा हूँ। थैंक यू विकास भैया यार, मैंने उनको काफी मना किया था। और भाई माइक के बड्स भी, ये वाली जो रबड़ है जो कि इस माइक पे लगती है, गिर गई थी मेरी निकल के ढीली होके, उन्होंने ये भी भेजी है दो। तो विकास भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खामा खाम में इतना खर्चा करवा दिया यार आपका मैंने, थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो भाई आप घर पे हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधा राधा, नमस्कार।